नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। मैं खुशबू कुमारी। जैसा कि आप जानते हैं, आज से कुछ साल पहले औरत और आदमी में बहुत फर्क माना जाता था। औरत को हमेशा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ देश भी बदल गए, हालात भी बदल गए और लोगों की सोच भी बदल गई है। आज के समय में औरत व आदमी एक साथ काम करते हैं व कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ते। वहीं पाकिस्तान से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। पाकिस्तान के संघ शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना में कहा गया कि महिला शिक्षक स्कूल टाइट कपड़े पहनकर नहीं आ सकती। पुरुष शिक्षकों को टी शर्ट और जींस पहनकर भी रोक लगा दी गई है। खबर यह है कि पाकिस्तान की डॉन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिला शिक्षकों को जींस या टाइट्स पहनने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें साधारण और सभ्य सलवार कमीज दुपट्टा शॉल के साथ शर्ट पहनने के लिए कहा गया। इसमें यह भी कहा गया है कि पर्दा करने वाली महिलाओं को उनकी साफ सुथरी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए स्कार्फ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। सर्दियों के मौसम में महिला के शिक्षक सभ्य रंगों और डिजाइनों के कोट, ब्लेजर, स्वेटर, जर्सी और कार्डिगन शॉल पहन सकती हैं। इसी तरह महिला शिक्षकों को औपचारिक जूते, स्नीकर्स और सैंडल पहनने की अनुमति नहीं, लेकिन चप्पल नहीं। संघीय शिक्षा निदेशालय के पत्र में कहा गया कि पुरुष शिक्षकों के लिए पैंट और शर्ट के साथ टाई पहनना अनिवार्य होगा। शिक्षा निदेशक ने सोमवार को स्कूल और कॉलेज के प्राचार्यों को एक पत्र भेजा है। पत्र में प्राचार्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि प्रत्येक स्टाफ सदस्य को अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तिगत स्वच्छता में अच्छे उपायों का पालन करना होगा। मतलब ये नहीं कि साफ सुथरे तरीके से रहना होगा। नियमित बाल काटने, दाढ़ी ट्रिमिंग, नाखून काटने, शॉवर जैसे परफ्यूम या इत्र के उपयोग जैसे बातों को लेकर अच्छे उपायों का वर्णन इस अधिसूचना में किया गया है। इसी तरह के उपायों का पालन पाकिस्तान में शिक्षकों द्वारा कार्यालय समय के दौरान, साथ ही परिसर में उनके समय और यहां तक कि आधिकारिक सभाओं में और बैठकों के दौरान भी किया जाना है। पत्र में यह भी सिफारिश की गई है कि शिक्षा शिक्षण कर्मचारी प्रयोगशालाओं में कक्षा और प्रयोगशाला कोड के अंदर शिक्षण गाउन पहने। इसके अलावा ये स्कूल और कॉलेजों को गेटमैन और सहायक कर्मचारियों के ड्रेस कोड सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आधिकारिक समारोह के इस मामले में महिला शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड में लिखा है, आधिकारिक समारोह बैठकों में फैंसी या पार्टी वाले कपड़े पर मनाई होगी। धन्यवाद।